न्यूज़ मिली है कि उसका सिलेक्शन हो गया है कुश्ती चैम्पियनशिप में, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स भी आएंगे, नेशनल लेवल प्लेयर्स भी आएंगे, एंड गुजरात से वो अकेली लड़की सेलेक्ट हुई है. तो बहुत खुश है, उसको समझ नहीं आ रहा कि इस खुशी को वो हैंडल कैसे करे. वही नहीं बल्कि फ़ाइटर दीदी, उसके साथ जो 3-4 औरतें रहती हैं वो भी बहुत खुश हैं. घर में अजमेरा फैमिली में सेजल और सेजल दीदी और माँ भी बहुत खुश हैं. तो एवरीबडी इज़ इन्जॉइंग, एवरीबडी इज़ हैप्पी, सब ढोल बजा रहे हैं. और अब बट सुशील एक डिलेमा में है कि और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो जो उसके साथ हुआ है पिछले कुछ टाइम में, उसको ओवरकम करने के लिए, उस सबको दिखाने के लिए कि एक लड़की क्या क्या कर सकती है, उसको ये सब करना पड़ेगा, इसको एज अ चैलेंज लेकर और सब मतलब इस चैलेंज पर खरा उतरना पड़ेगा. अब फाइटर थी थोड़ा थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, मज़े ले रही थी, और उन्होंने बोला कि 2 मिनट उन्होंने बोला कि तुम मुझे नाच के दिखाओ, ये भी तुम्हारी ये इसका ट्रेनिंग का एक हिस्सा है. तो सुशील टुक इट सीरियसली, उसने बस आंखें बंद करी, एंड सुशील इज़ नॉट दैट गुड ऑफ अ डांसर. तो उसने आंखें बंद करके सोचा कि वो रिंग में एक ओपोनेंट के सामने खड़ी है, और उसी हिसाब से उसने बीट्स पर डांस किया. मतलब बीट्स कुछ और थी, वो कुछ और कर रही थी, बेसिकली वो कुश्ती लड़ रही थी, डांस जब उसको करने के लिए बोला गया था तब भी. सो सुशील की जर्नी काफ़ी लंबी रही है यहाँ तक, शादी होने तक, शादी होने से वापस आने तक, अब नई जर्नी शुरू हुई है उसकी. तो काफ़ी रोलर कोस्टर रहा है जो भी अभी तक उसके साथ हुआ है, बट शी इज़ कम अप एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, एंड अब उसको अब पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू अचीव हर गोल्स एंड विन अ मेडल. और यही नहीं, वो अपने दादाजी की उतरी हुई पगड़ी भी वापस लेकर आना चाहती है, और भी बहुत चीज़ें हैं जो वो दिखाना चाहती है लोगों को. तो आप बस उसकी जर्नी में उसको बेस्ट विशेज दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि सुशील खेले, कुश्ती करे, और अपनी ये स्टेट के लिए, गुजरात के लिए और इंडिया के लिए मेडल लेकर आए.